40 बच्चों का नाम आ रखा है जिसमें एक बच्चे को भी एडमिशन नहीं दिया गया है अभी तक। कई पेरेंट्स तो ऐसे हैं जिनकी जॉब भी जा चुकी है क्योंकि रोज आना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है, इतनी छुट्टियां मिलती नहीं है, एडमिशन के चक्कर में ही भाग रहे हैं कहीं ना कहीं। मतलब दिक्कत तो कहीं नहीं इनकी आपस में, कुछ ना कुछ तो है, क्या कुछ खिचड़ी पकड़ी वो हम कुछ कह नहीं सकते। प्रिंसिपल ने तो साफ साफ मना कर दिया कि हम लोग देंगे नहीं, एडमिशन देंगे नहीं फर्स्ट क्लास के लिए, आप जहाँ जाइए केस लड़िए कहीं भी जाइए। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज़तर्रार में। EWS कैटेगरी के एडमिशन्स को लेकर कई स्कूल्स के बाहर हमें कई माता पिता मिले। अब ऐसे में एक बार फिर से मैं मोतीनगर इलाके में मौजूद हूँ और इस वक्त मैं एक स्कूल के बाहर नहीं बल्कि यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस के बाहर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ क्योंकि तमाम पेरेंट्स यहाँ पर आए थे। क्या कुछ अब ये जो मामला है कौन से स्कूल का निकल कर सामने आ रहा है, तमाम डिटेल्स हम आपके सामने पेश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं धीरज लटवाल। एक्चुअली बच्चे का नाम आया हुआ है एक 20-25 दिन पहले, एडमिशन हमने क्या नाम है EWS ऑनलाइन के लिए थ्रू हमने अप्लाई किया था जिसमें बच्चे का नाम जो है डिक्लेयर हो चुका है। कौन से स्कूल में? ये रामजस डे बोर्डिंग पब्लिक स्कूल है आनंद पर्वत गली नंबर 10 में। तो एक महीने से सारे के सारे पेरेंट्स, पहले हम स्कूल में गए, स्कूल वाले ने मना कर दिया कि यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा फर्स्ट क्लास के लिए, यहाँ पे जो है सिर्फ नर्सरी से हम लोग लेते हैं, फर्स्ट क्लास के एडमिशन नहीं होंगे। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ये गलती जो है डिपार्टमेंट की, आप डिपार्टमेंट जाइए, जो जोन 16 करमपुरा में है ये सामने उनके ऑफिस के हम बाहर खड़े हुए हैं। इसके बाद इन्होंने बोलते हैं कि हमारे यहाँ से गलती नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है या गलती फाइल की कुछ अंडरस्टैंडिंग कुछ भी इनके आपस में जो भी है, तो इन्होंने बोला कि आप PSB ब्रांच चले जाइए जो है अपना विधानसभा के पास में। फिर वहाँ भी हम लोग गए, वहाँ जाने के बाद भी इन्होंने ये बोला कि हमारी गलती नहीं, PSB ब्रांच वाले कहते हैं हमारी गलती नहीं है, जोन की गलती है या स्कूल की गलती, दोनों में से किसी एक की गलती है, आप दोनों पे आप पहले जोन 16 में जाइए। फिर हम वहाँ पे गए, यहाँ पे आए, इन्होंने बोला पंद्रह उधर घूमे जा रहे हैं, आज 30 दिन से ज़्यादा हो गए, महीना भर से ऊपर हो गया, 40 बच्चों का नाम आ रखा है जिसमें एक बच्चे को भी एडमिशन नहीं दिया गया अभी तक। और मान के चलिए हर रोज़ अगर हम दो या तीसरे दिन भी अगर आते हैं तो 2-3 चक्कर यहाँ और 2-3 चक्कर आपका PSB ब्रांच, और स्कूल हम 2-3 बार चले गए जिसमें स्कूल ने तो साफ साफ गेट बंद कर दिया, ताला बंद कर दिया है कि आप अंदर पेरेंट्स किसी को नहीं आने दे रहे हैं। परसों फिर 30-35 पेरेंट्स जो थे वो आए थे स्कूल में, वहाँ पे लॉक लगा दिया गया है, प्रिंसिपल मैम ने बोल दिया कि किसी को अलाउड नहीं करना है गार्ड को। तो बड़ी मुश्किल से फिर यहाँ से लोग थाने में गए, पुलिस थाने में जो आनंद पर्वत थाना लगता है वहाँ पे गए हैं और उन्होंने जो है वहाँ से पुलिस वाले को, जो पुलिस वाले आए थे पुलिस वालों के साथ, फिर दो पेरेंट्स को अंदर उन्होंने बुलाया प्रिंसिपल मैम ने, तो दो पेरेंट्स को जो बुलाया उनका मोबाइल भी बाहर रखवा लिए गए कि आप मोबाइल मत लेके आइए और अंदर आइए। अंदर आने के बाद उन्होंने बोलती है प्रिंसिपल मैम कि हमारे यहाँ से हमारी कोई भी गलती नहीं है यहाँ पे, ये जो क्या नाम है गलती है वो है 16 जोन अपना जो करमपुरा में जहाँ पर हम खड़े हैं, तो बेसिकली कुछ नहीं हो रहा है, हम यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ भागे जा रहे हैं। तो आज आप अकेले आए थे या और भी पेरेंट्स आए थे? जस्ट आपके आने से पहले ही हम लोग 40 में से 20-25 पेरेंट्स अभी आए थे, सुबह से हम आए हुए हैं। तो आज वीर सिंह जी यहाँ के जो डिप्टी डायरेक्टर जो है वीर सिंह जी, उन्होंने आज के आने के लिए बोला था हमें, हम आए वो हमको देख के अनदेखा करके अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए हैं। उनके नेक्स्ट जाने के बाद 15-20 मिनट के बाद डिप्टी यहाँ की जो एजुकेशन जो डायरेक्टर है मैम वो आई हैं, उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, आज नहीं तो 2-4 दिन या 8-10 दिन जो भी इनका स्कूल में हो जाएगा, स्कूल भी चेंज कर। अभी इन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि सेम स्कूल में होगा, बट हमारे सामने डायरेक्टर मैम ने भी जो है स्कूल को मैम को कॉल किया था प्रिंसिपल को, लेकिन प्रिंसिपल सुनने को तैयार नहीं है, वो साफ साफ मना करती कि हमारे पास हम देंगे नहीं फर्स्ट क्लास के बच्चों को एडमिशन, तो आप जहाँ मर्जी जाइए, आप केस लड़ना है केस कर लड़िए, हम केस लड़ने को भी तैयार हैं। मतलब कुछ नहीं हो पा रहा, और नौकरी तक की बात आ चुकी है, नौकरी भी लोग, कई पेरेंट्स तो ऐसे हैं जिनकी जॉब भी जा चुकी है क्योंकि रोज आना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है, इतनी छुट्टियाँ मिलती नहीं है। खुद मैं एक प्राइवेट वहाँ पे हूँ, मेरे को भी बॉस ने मना कर दिया जाने के लिए। तो ये कंटिन्यू यही चल रहा है कि बेसिकली यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, और रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। अब इस चक्कर में ये भी हो रहा है कि बच्चे का फ्यूचर की बात है भाई, या तो एडमिशन आप लोग दो मत, अगर देते हो आप ऑनलाइन अगर क्या नाम स्कीम निकालते हो तो उसको फिर देना चाहिए एडमिशन। आपको लग रहा है कई बार ऐसे स्कूल के मामले करें, हमने भी अभी हाल ही में पीतमपुरा में एक खबर की थी, लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं जहां पर एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाता है लेकिन एडमिशन देता नहीं है स्कूल, ये काफ़ी सुनने को आ रहा है। और हमने आपके जो यूट्यूब चैनल या आपका जो चैनल के थ्रू मैंने जो देखा था, तो इसलिए मैंने आप उसके लिंक के थ्रू आपको कॉन्टैक्ट किया कि आप लोग एक बार आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे सुनवाई तो किसी की हो ही नहीं रही है, सारे पेरेंट्स को बस आश्वासन दिया जा रहा है कि आ जाइए, कल आ जाइए, परसों आ जाइए, हो जाएगा, फाइल रखी हुई है, हमने लेटर लिखे हुए हैं, प्रिंसिपल देने को तैयार नहीं है। अब पता नहीं कि बीच की इनका क्या माजरा है, प्रिंसिपल मैम कहती है कि आप
डिस्ट्रिक्ट जोन से लिखवा के लेके आ जाइए, 40 बच्चों का हम अलग सेक्शन बना देंगे। बट जोन डिपार्टमेंट कहता है हम लिख के क्यों देंगे। अब समझ में नहीं आ रहा है कि स्कूल की प्रॉब्लम है, दिक्कत है या इनकी गलती है। गलती किसी की भी हो, हम LG हाउस में भी जा चुके हैं, हम RTC मैम के यहाँ भी जा चुके हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है, और हम शिक्षा मंत्री जो है कैबिनेट मंत्री जी के वहाँ भी जा चुके हैं, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, हम क्या नाम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के इसमें हमने वो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं बेसिकली, मतलब सुबह से शाम, शाम से सुबह, पूरे दिन की धूप में, गर्मी में, एक दिन में नहीं भी आप मान के चलो 15-20 पेरेंट्स हैं, तो दिन के 4-5 चक्कर धूप में हम खाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ आउटपुट नहीं, कुछ नहीं आउटपुट अभी तक कुछ नहीं है फिलहाल। तो अभी आज जो मैम ने दिया है, डॉक्टर नीरज मैडम है, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप जो है आप निश्चिंत रहिए, आपका एडमिशन हो जाएगा, बट अभी 2-4 दिन आपको वेट और करना पड़ेगा। तो आपको लग रहा है इनकी बातों का कुछ असर होगा या ऐसे ही सिर्फ आपको बहलाया फुसलाया जा रहा है? अभी तक तो बहलाया फुसलाया जा रहा है, आज जो इन्होंने बोला है 2-4 दिन और हम भी और देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। आपके पास वो जिसमें नाम आया था आपके बच्चे का? हाँ, वो मैं लिस्ट आपको दिखा सकता हूँ, ये वाला लेटर है जो ऑनलाइन बच्चे का आया हुआ है, इसमें आपका अलॉटेड किया हुआ है रामजस डे बोर्डिंग आनंद पर्वत में, इसमें बच्चे का नाम पूरा पेरेंट्स का है। दूसरा हम इसके बाद LG हाउस में गए, जो LG हाउस में भी हमने पूरा का पूरा लेटर वहाँ पे दिया हुआ है। आपकी तरह और भी पेरेंट्स गए ऐसे? सर हाँ, हमारे साथ 8-10 पेरेंट जो थे, हम पहले से जा रहे थे बट हम आपस में मिल नहीं पा रहे थे, तो 28 तारीख को हम स्कूल गए, तो वहाँ पे सारे के सारे पेरेंट्स, लगभग 35 पेरेंट्स जो थे वो आए हुए थे। ये लेटर हमने जो है सचिवालय में दिया हुआ था, उसकी रिसीविंग है, और ये वो लेटर है जो आपका आतिशी मैम एजुकेशन मिनिस्ट्री से अब जो है कुरियर आया हुआ है बाय डाक, ये उनका अंदर का मैटर लिखा हुआ है, ये उनका जो है अंदर का लेटर जो आया हुआ है आतिशी मैम के यहाँ से। और ये जो लेटर है ये जोन 16 जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ से हमने ये फर्स्ट डे हमने जो लेटर लिखा था पेरेंट्सों को अपना रिसीविंग यहाँ से इन्होंने दी थी फर्स्ट डे, जो पहली बार हम यहाँ पे इन्होंने हमें बुलाया था, ये है 3 तारीख की, 3 जून, और आज हो गए आपके 3 तारीख की, आज 3 जुलाई, हाँ 3 जुलाई, पूरा एक महीना हो गया यहाँ पे आए हुए हमें भागते भागते, फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं है, यही है फिलहाल। ठीक है, इसके अलावा कोई और ऐसी बात जो आप बताना चाहते हो? अभी तो यही है मैम, एडमिशन के चक्कर में भाग रहे हैं कहीं ना कहीं, मतलब दिक्कत तो कहीं नहीं इनकी आपस में, कि कुछ ना कुछ तो है, कुछ इशू है कुछ इनकी आपस में, क्या कुछ खिचड़ी पकड़ी वो हम कुछ कह नहीं सकते, बट अब जब 2-4 दिन के बाद मैम ने अगर बोला है होगा या नहीं होगा, कैसे करेंगे क्या करेंगे वो नहीं पता, बट स्कूल साफ साफ क्लियर मना करता है, और प्रिंसिपल मैम ने तो क्लियर मना ही कर दिया, एडमिशन नहीं देंगे, प्रिंसिपल ने तो साफ साफ मना कर दिया कि हम लोग देंगे नहीं एडमिशन, देंगे नहीं फर्स्ट क्लास के लिए, आप जहाँ जाइए केस लड़िए कहीं भी जाइए हम नहीं देंगे एडमिशन। तो पूछा नहीं नाम क्यों आया फिर जब देने नहीं था तो? मैम बहुत जगह पूछ चुके हैं, प्रिंसिपल से भी पूछा है, बट वो उसके ऊपर डाल रहा है, प्रिंसिपल का नाम क्या है? प्रिंसिपल मैम सारिका मैम है। हाँ, आपकी डायरेक्ट बात हुई है फेस? नहीं, हमारी मेरी बात नहीं हुई है, हमारे पेरेंट्स में से किसी की, 2 पेरेंट्स को जो अंदर बुलाया था उनमें से एक पेरेंट्स की बात हुई है। अच्छा जी, ठीक है, ओके। तो देखिए EWS कैटेगरी में एडमिशन को लेकर तमाम ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, लगातार ऐसे पेरेंट्स की शिकायतें देखने को मिल रही हैं, जहां पर सीधे तौर पर पेरेंट्स का ये आरोप होता है कि इस तरह से उनके बच्चे का नाम आ जाता है स्कूलों में, लेकिन उसके बाद या तो स्कूल वाले एडमिशन देने से मना कर देते हैं या फिर इन्हें बहला फुसला कर आजकल पर टाला जाता है, जिसकी वजह से इनके बच्चे का पूरा साल ख़राब हो जाता है। अब आप सोचिए, जो बच्चा अपने स्कूल की शुरुआत करने जा रहा है, उस बच्चे को शुरुआत में ही ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएं कि उसके माँ बाप की जॉब जा रही है, उसके एडमिशन के लिए माँ बाप रोज़ दर बदर भटकते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई आउटपुट नहीं निकल पा रहा है। फिलहाल ये लोग यहाँ पर आए थे, और अब देखना होगा कि यहाँ पर आने का कोई नतीजा निकलता है, क्योंकि तमाम शिकायतें इन्होंने कर ली है, तमाम जगहों पर ये लोग जा चुके हैं, लेकिन अब तक कुछ यहाँ पर सॉल्यूशन इन लोगों को नहीं मिला है। अब देखना होगा, क्योंकि आश्वासन दिया गया है 3-4 दिनों का कि हो जाएगा एडमिशन, तो होपफुली इनके जो एडमिशन है वो हो जाए, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी यहाँ पर जो भी संबंधित अधिकारी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनको इस मामले में देखना चाहिए कि आखिर क्या गड़बड़ी आ रही है, क्योंकि दिल्ली में कई ऐसे स्कूल्स हैं, मैं ही कितनी खबरें कवर कर लेती हूँ जहाँ पर कई स्कूलों के बारे में सेम जो सिचुएशन है वो सामने आती है, सेम बातें पेरेंट्स के द्वारा कही जाती हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इसमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है, और यहाँ पर निष्पक्षता से जांच करने की ज़रूरत है। अगर आप कोई स्कीम दे रहे हैं, या तो आप स्कीम मत दीजिए अगर आप उसे पूरा नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप स्कीम निकाल रहे हैं, बच्चों का नाम आ रहा है, तो आखिर क्यों स्कूल अपनी मनमानी इस तरह से करते हैं, ये पूरा का पूरा जाँच का विषय है। अब इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा,
आज कल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूले। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।